नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर में। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट स्नेहा जैन। आज फिर से लेकर आए हैं आपके सामने एक नया इंटरव्यू वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी रिफंड के ऊपर। और आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है वो है सीए निखिल गुप्ता जी। सीए निखिल गुप्ता जी, आप एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस फील्ड में आपको 18 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपने 200 प्लस सेमिनार्स जीएसटी के ऊपर दिए हुए हैं, आपने सेवरल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपके काफी सारे कॉलम्स आते हैं, आपने अपनी खुद की बुक ऑथर की हुई है जीएसटी के ऊपर। और आज हम बहुत प्राउड हैं आपको इस मंच पर लेके आते हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि आज आपने मेरे को ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं और आपके दर्शकों के सामने अपने जीएसटी में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। थैंक यू। तो सर, आज बिना देरी किए, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आज आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम के अंदर लेना चाहते हैं, तो आइए फटाफट इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो हम पूछना चाहेंगे वो ये है कि एक्चुअली जीएसटी रिफंड है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जी बिल्कुल, जीएसटी रिफंड से पहले जीएसटी समझ लेते हैं क्योंकि 4 साल हो गए हैं और उसको समझना अभी भी कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और सरकार के अनुसार गुड एंड सिंपल टैक्स और विपक्ष के अनुसार गब्बर सिंह टैक्स है ये, तो इसी पशुपेश में भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हाँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो जीएसटी ने देश में एक सरल टैक्स प्रणाली की तरफ एक अहम कदम है ये, और सूनर और लेटर व्यापारियों को ये लाभान्वित भी करेगा। टैक्स रेट भी कम हुई है, वनस्पत जो पहले टैक्स रेट चलती थी उसमें टैक्स रेट में काफ़ी कमी आई है, और इंडिया एज अ कंट्री ज़्यादा कम्पिटिटिव हुआ है वर्ल्ड फोरम में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके। जैसा मैं देख पा रहा हूँ और आपसे जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका ये जो चैनल है ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो नए उद्यमी हैं, नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समर्पित है। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना अच्छा पहल है आपका, इतना अच्छा एंडेवर है, बहुत बहुत बधाई है आपको स्नेहा जी। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो एक लघु उद्योग या एमएसएमई की प्रॉब्लम है वो है फंड का स्टकअप होना। तो अगर उसका फंड स्टकअप होता है तो एमएसएमई को दिक्कत आती है, तो जीएसटी रिफंड एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि व्यापारी का जीएसटी में फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है और उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने से बचाई जा सकती है। और ये हमारा काम है कि हम जीएसटी रिफंड को टाइम टू टाइम क्लेम करें जिससे कि बिजनेस हाउसेस को समस्या ना आए वर्किंग कैपिटल की। सर, जीएसटी में रिफंड कब कब और किन किन परिस्थितियों में मिलता है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जीएसटी में रिफंड कई प्रकार से और कई सर्कमस्टेंस में मिल सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दो इसमें पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। पहला है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को सरकार हमेशा ही प्रमोट करती है क्योंकि फॉरेन रेवेन्यू आता है उससे, और इंडिया वर्ल्ड फोरम में एक अच्छी जगह बनाती है। जी तो सर, अभी अभी आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्कीम के बारे में बात की, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा और जानकारी लेना चाहेंगे, ये क्या है और किन व्यापारों के लिए ये लाभदायक है। जी मैं स्नेहा जी दो बिंदुओं पर, एक है एक्सपोर्ट और एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दोनों पर ही चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट को लेकर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, और अगर यही सेम प्रोडक्ट अगर आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी कहा कि वो चाहती है कि आपका प्रोडक्ट टैक्स एडिड नहीं हो, उस पर टैक्स का एडिशन ना हो, तो वो गवर्नमेंट आपको टैक्स वाला पोर्शन वापस कर देती है। अगर आपने एक्सपोर्ट पे टैक्स दिया हुआ है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स भी वापस कर सकती है, या फिर अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस का इस्तेमाल किया है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाने में जिस पे कि आप टैक्स दे के आए हैं तो वो पैसा भी गवर्नमेंट आपको वापस करती है।
एक्सपोर्ट में दो तरीके से हम काम करते हैं या हम रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। या तो हम पहले एक्सपोर्ट करते वक्त टैक्स दें और फिर उसका रिफंड क्लेम करते हैं, राइट। या फिर हम जो हमने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उनको इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज कहते हैं, उन पे जो दिया हुआ टैक्स है उस इनपुट टैक्स की हमें वापसी मिल जाए। तो ये व्यापारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कौन से सिस्टम में जाना चाहता है। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसी व्यापारी के लिए हो सकता है कि इनपुट्स का रिफंड लेना ज़्यादा फायदेमंद हो, और हो सकता है कि किसी व्यापारी के लिए ये फायदेमंद हो कि वो पहले अपने एक्सपोर्ट पे टैक्स दे और फिर उस पूरे टैक्स का रिफंड क्लेम कर ले। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हम अपने इनपुट्स का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, यानी कि हम बिना टैक्स का भुगतान किए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उस केस में अपने इनपुट्स का रिफंड क्लेम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, एक गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उस केस में आपको कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने शू एक्सपोर्टर हैं और आपने अपने शू एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ मशीन्स लगाई हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स लगाई हुई हैं, तो वो आपके लिए कैपिटल गुड्स हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपने उस मशीन से उस शू का निर्माण किया है, तो गवर्नमेंट आपको उस कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं देती है। एम आई क्लियर? उस जी कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं देती है। उस केस में वो इनपुट्स का रिफंड देती है, इनपुट सर्विसेज का रिफंड देती है, लेकिन कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं नहीं दे देती है। जी तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है। यहाँ पे अगर कोई 100% एक्सपोर्टर है, कोई व्यापारी, तो आप मानिए कि उसका पैसा ब्लॉक रहेगा। जितना वो, जैसे वो मशीन खरीद के लाया है, उस पर वो जीएसटी का भुगतान करके आया है, अब उस मशीन पर जो जीएसटी का भुगतान करके आया है उसका रिफंड वो कभी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यापारियों के लिए सलाह है कि वो दूसरा रूट अपनाएं, एंड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, एम आई क्लियर, वो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स अपना माल का एक्सपोर्ट करें। उसमें क्या होता है, जब आप ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पे अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप इनपुट इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स जो भी आप टैक्स दे के आए हैं उसका समायोजन आप कर सकते हैं उस टैक्स जी में से जो कि आपको एक्सपोर्ट में पे करना है। मींस जो आप एक्सपोर्ट पे आउटपुट टैक्स पे करेंगे वो आप जी एडजस्ट कर लेंगे, जो राइट ऑलरेडी आप अपने इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स पे आप जो टैक्स दे के आए हैं। तो उसमें जब जीएसटी समायोजित हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर इनपुट इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता और आप सारा रिफंड लेते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो इनपुट्स का अगर हम रिफंड क्लेम करते हैं, आईटीसी का रिफंड हम क्लेम करते हैं, वो हमें उसमें रिफंड अप्लाई करना पड़ता है, और अगर हम टैक्स देके रिफंड क्लेम करते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपको केवल GSTR 1 और GSTR 3 भी ये रिटर्न्स भरने हैं, बाकी प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक है, पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिकली आता है। जी दूसरा जो आपने वर्ड यूज किया, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर नॉलेज ऑल्सो, और जो आपके व्यूअर्स हैं उनके सवाल को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखिए, जब किसी कानून की समझ कम होती है तो हम उस कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, अगर आपको लॉ का पता नहीं है तो आप उस लॉ से कतराते हैं, करेक्ट और वो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल सरकमस्टेंस लेके आता है। जैसे मैंने कई व्यापारियों को सुना है कि साहब हमारा तो पैसा फंस जाता है, और जितना माल बनाते हैं उतना ज्यादा पैसा फंस जाता है, तो हम तो अब वैसे ही काम करना शुरू कर दिया हमने। तो जब उनसे बात की जाती है ऐसे व्यापारियों से, तो वो उदाहरण देते हैं कि साहब हमने इनपुट लिया था, हमारा माल आता है 12% पे, 18% पे, जीएसटी में नॉर्मली 3% एक रेट है, 5% एक रेट है, 12% है, 18% और 28% है, 0.1% भी एक रेट है, लेकिन वो एक रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ बिजनेसमैन के लिए है। तो जब आप व्यापारियों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हम हमारे इनपुट्स बहुत महंगी रेट पे आते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो वो टैक्स रेट कम है, यानी मैं जो माल खरीदता हूँ उस पर जीएसटी का भुगतान ज्यादा करके आता हूँ।
और जो मैं माल बेच रहा हूँ उस पर टैक्स कम है, तो मेरा तो जीएसटी का जो कर है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, शू। शू में जब आप जूता बनाते हैं या फुटवेयर बनाते हैं, तो आप लेदर का इस्तेमाल करते हैं या आप सिंथेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप लेसिस का इस्तेमाल करते हैं, आप बकल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप एडहेसिव का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये मटेरियल आता है 12% या 18% में, लेकिन जो आपका फुटवेयर बन के तैयार होता है वो उस पर जो कर है दैट इज ओनली 5%। यानी आपका जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स रेट ज्यादा है, जो और जो आप बना रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर टैक्स रेट कम है। तो यहां पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट वो स्टक अप हो जाता है आपका। आप जितना ज्यादा माल खरीदेंगे और जितना ज्यादा व्यापार करेंगे आपका पैसा उतना ही फंसता जाएगा, गैप और बड़ा होता जाएगा और आपकी वर्किंग कैपिटल स्टक अप होती जाएगी। ये एमएसएमई के लिए बहुत चिंता का विषय होता है और जानकारी के अभाव में ये रिफंड क्लेम नहीं हो पाता है, जिसके चलते मैंने कई एमएसएमई को बंद होते हुए देखा है। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट इसमें आपको आपके फंसे हुए पैसे का रिफंड देती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे व्यापारी गण उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। मसलन आपके शू बिजनेस में, आपके ज्वेलरी बिजनेस में, आपके कांच के उद्योग में, या ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जिसमें कि टैक्स की रेट इनपुट्स पे ज्यादा है वनस्पत आउटपुट के, ऐसी हर इंडस्ट्री में आपको जीएसटी का रिफंड मिलता है और इसी को हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन क्योंकि व्यापारी को मालूम नहीं है तो वो रिफंड क्लेम नहीं कर पाता है। तो इस चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यापारियों से आह्वान करूंगा कि अगर वो ऐसी किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, उनका इनपुट में अगर पैसा फंसा हुआ है, वो उसको चेक करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अगर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे जीएसटी पोर्टल में और उसमें अगर आपके क्रेडिट लेजर में बहुत पैसा आ रहा है, इट मीन्स दैट मनी इज स्टक अप। बिल्कुल जी सर, मैं काफी सराहना चाहूंगी आपकी इस बात को। जिस तरीके से आपने ये पूरी चीज समझाई, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा लोगों को होने वाला है, क्योंकि अभी भी लोग जीएसटी के बारे में जितना जानते हैं उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। सिमिलरली जीएसटी रिफंड की बात करें तो अभी भी लोगों को ये टास्क लगता है। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और आपने बताया कि किन किन चीजों में रिफंड क्लेम किया जा सकता है, तो बिल्कुल उनको ये लाभ उठाना चाहिए। तो मैं साथ में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा स्नेहा जी, हाँ जी जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी हाँ जी गवर्नमेंट आपको इनपुट्स का रिफंड देती है। अगेन देखिए, आप जब व्यापार करते हैं तो आप तीन तरीके की चीजें खरीदते हैं, जी या तो आप माल खरीदते हैं, या आप सेवाएं प्राप्त करते हैं, या आप कैपिटल गुड्स मशीन्स वगैरह खरीदते हैं। जी तो जीएसटी में खास बात यह है कि इन तीनों को गवर्नमेंट ने बाइफरकेट किया हुआ है। माल को हम इनपुट्स कहते हैं, सेवाओं को इनपुट सर्विसेज कहते हैं, कैपिटल और अगर हम मशीन्स खरीद रहे हैं उनको हम कैपिटल। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट आपको केवल इनपुट्स का रिफंड देती है, इनपुट सर्विसेज का नहीं देती है, कैपिटल गुड्स का नहीं देती है। रूल्स में वो कुछ चेंज लेके आए थे, बहुत पहले वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का दोनों का रिफंड देते थे, लेकिन देयर आफ्टर दे मेड सर्टेन चेंजेस। हालांकि वो कई सारे न्यायालयों में विचाराधीन है ये मसला, लेकिन हम यहाँ पे जो लॉ है उसको डिस्कस करना जरूर चाहूंगा मैं। एज ऑफ नाउ इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द साइड ऑफ जीएसटी काउंसिल और गवर्नमेंट दैट दे विल प्रोवाइड रिफंड ऑफ ओनली एंड ओनली इनपुट्स। एक जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, जैसे कोई भी हम शू बनाते हैं उसमें से फॉर एग्जाम्पल 30-35% पार्ट सर्विसेज का होता है। 100 रुपए के जूते में 65 रुपए का मटेरियल है, 35 रुपए का सर्विस है। 65 रुपए के इनपुट्स पे गवर्नमेंट हमें रिफंड दे रही है, लेकिन 35 रुपए की सर्विसेज पे गवर्नमेंट कहती है सॉरी हम इस पे आपको रिफंड नहीं देंगे। तो इसमें भी व्यापारी का पैसा फंसता है। तो हमें अपना बिजनेस इस तरीके से, बिजनेस पॉलिसीज इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए कि
जिससे कि हम सर्विसेज को भी गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए हमें काफी अपना जो पूरा मैकेनिज्म है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि अगर हम ऐसे डीलर से इनपुट्स लें जो कि गुड्स प्लस सर्विस उसमें दोनों समायोजित हों, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो आपके इस टीवी पे आते हैं और सुनते हैं, उनको भी आप एजुकेट करिए कि दे नीड टू एनालाइज देयर बिजनेस और उसकी रिमॉडलिंग करनी पड़ेगी जिससे कि उन्हें मैक्सिमम रिफंड क्लेम कर सकें। तो सर कैसे बिजनेस प्रोसेस, आई मीन कैसे ये बिजनेस प्रोसेस रिमॉडलिंग करके मैक्सिमम रिफंड मिल सकता है, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मैम, बिल्कुल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसा भी मैंने बोला, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में आपको सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलता है। अब आप किसी से जॉब वर्क करवा रहे हैं, जूता बना रहे हैं, लेदर आपने खरीदा, फिर आपने उस लेदर को जॉब वर्क पे दे दिया कि भाई हमारे लिए आप शू तैयार करके लाइए। ठीक है, उसमें जो उसने जॉब वर्कर ने जो अपना सर्विसेज का बिल रेस किया आपके ऊपर, आपको उस पर रिफंड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम अपने इट इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, उसको मैं रिफाइन करना चाहूंगा कि हम उसमें ये कर सकते हैं कि मटेरियल भी वो ही खरीदे जॉब वर्कर, और वो हमें सप्लाई कर दे अपना काम करने के बाद में। तो जब वो सप्लाई करेगा, स्टिल दैट वुड बी कॉल्ड एज मटीरियल, करेक्ट, और मटीरियल का हमें रिफंड पूरा मिल रहा है। मिल रहा है। तो हमने सर्विसेज एलिमेंट को अपने बिजनेस प्रोसेस से थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करी, और मटेरियल पार्ट को हमने बढ़ाने की कोशिश करी जिससे कि हमारा रिफंड मैक्सिमाइज हो सके। देर इज अ डिफरेंस, वन वर्ल्ड इज टैक्स इवेजन एंड अनदर वर्ल्ड इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन इज क्राइम, बट टैक्स प्लानिंग इज योर राइट। मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में या अपने जो भी डेलिब्रेशंस हैं उसमें मैं ये बोलता हूं कि इनपुट टैक्स आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, वो पैसा है, दैट इज योर मनी, लिक्विड कैश है वो। अगर वो इनपुट टैक्स हमारा खराब होता है, हम उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा सीधा सीधा मनी लॉस। लॉस्ट है। इनपुट लॉस्ट, क्रेडिट लॉस्ट इज मनी लॉस्ट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, उसमें रहते हुए हम अपने इनपुट्स को और अपने रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये आप अपने व्यूअर्स को एडवाइस भी कर सकते हैं कि वो अपने बिजनेस को फिर से एक बार उसका अध्ययन करें, रिमॉडल करें, और आपकी जो मदद ली जा सकती है उस आपके माध्यम से अगर ये काम हो सके तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू MSMEs। और हमेशा हमारे ध्यान रहना चाहिए कि उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो। ये एक GST रिफंड प्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट इज इक्वल टू मनी अर्न, ये मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ। दिस वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव। तो सर क्योंकि हम आखिर में इस वीडियो के ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, काफी सारी बातें आज हमने जीएसटी रिफंड के ऊपर आपसे जानने की कोशिश करी, तो जाते जाते आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे कि जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करते समय किन किन जरूरी बातों का हम ध्यान रखें, ये आप बताएं हमें। पहला जो आपने ये मुद्दा उठाया कि GST रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहला है कि आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है, जो भी सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि आपको जो रिटर्न्स फाइल करने हैं वो टाइमली होने चाहिए। दूसरा, रिफंड क्लेम करने की भी एक टाइम लिमिट है, वो टेक्निकल लैंग्वेज में गवर्नमेंट बोलती है 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अब वो रेलिवेंट डेट, उसके कई सारे पैरामीटर्स हैं, वो अगर आपके चैनल पर दोबारा आने का मौका मिलेगा तो मैं उसको जरूर, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत टाइम लेगा। तो बस उसको इस माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अपना जो रिफंड फाइल करने का जो टाइम पीरियड है उसको ध्यान जरूर रखिए कि हम टाइमली रिफंड फाइल कर रहे हैं, अदरवाइज वो रिफंड हमारा लूज हो जाएगा, हम रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जो सबसे खास बात है कि जो कानून है उसको फॉलो करिए।
अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं क्लेम करना है, मत करिए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये तरीका अपनाना है, तो वही तरीका अपनाइए। अगर आप कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे, तो जीएसटी लॉ में बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं आपको पेनलाइज करने के लिए। कई सारे सेक्शंस हैं, कई सारे प्रावधान हैं जहाँ पे आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं, और वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है। देखिए, जो जो पैसा सरकार देना चाहती है वही क्लेम करिए। अगर आप ज़्यादा क्लेम करना चाहेंगे, गलत तरीके से क्लेम करना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट्स टू पेनलाइज यू। ये ध्यान रखिए कि जितना रूल्स या लॉ कहता है उतना ही रिफंड क्लेम करिए। और अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स को, किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस में ना पड़िए। एक आपने आजकल वर्ड सुना होगा, फेक इनवॉइसिंग या फेक फर्म्स। एब्सोल्युटली। और क्वांटम मानिए, वो आजकल जो फ्रॉड होता है जीएसटी में, वो 10-20 लाख रुपए का नहीं होता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। जो स्कैमस्टर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, 100-100 फर्म्स बना रहे हैं फर्जी, एक तरीके का व्यापार कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, गवर्नमेंट हैज ऑल द इंटेलिजेंस, ऑल द इंफॉर्मेशन टू नैब दीज फ्रॉडस्टर्स। ऐसे में आप अपना, जो आपके व्यापारी बंधु हैं, जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा, किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना पड़े, किसी भी तरीके के लालच में ना पड़े, और किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस को फॉलो ना करें। जो गवर्नमेंट दे रही है वही अपने आप में सफिशिएंट है। तो ये जो फेक इनवॉइसिंग है, फेक बिलिंग है, कम परसेंटेज पे आपको लालच दिया जाता है खरीदने का, आप ऐसे किसी भी गलत प्रैक्टिस में, मेल प्रैक्टिस में ना पड़ें, क्योंकि ऐसे प्रोविजंस में जेल के भी प्रावधान हैं और बेल भी नहीं मिलती है। जी। तो जो गलत कर रहा है उसको भी सजा का प्रावधान है, और जो उस गलती में साझेदार है उसको भी सजा का प्रावधान है, और जो उस गलत का बेनिफिट ले रहा है उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो जरूर आप जीएसटी रिफंड क्लेम करिए, वो आपका हक है, लेकिन गलत अमाउंट का रिफंड क्लेम ना करिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया अपने चैनल पर अपने निष्पक्ष राय रखने का, और आपके व्यापारियों के लिए अगर मेरा कोई भी सुझाव फायदेमंद है तो मैं मानूंगा कि इस जो हमारा आज का डेलीब्रेशन है, इसका उद्देश्य की पूर्ति हुई है। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट की है कि जीएसटी रिफंड लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा, ये हमारा हक है, और सही तरीके से प्लान करके अगर हम ले तो बेटर है। अगर हम टैक्स इवेड करने की कोशिश करेंगे तो दैट्स वेरी ऑफेंसिव। से हम जरूर चाहेंगे कि आप एक बार फिर से इसकी और जानकारी हमें दे आगे आकर। तब तक के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ सीए निखिल गुप्ता जी मौजूद हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए हमारी ईमेल आईडी पर, या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और आप अपनी कोई भी राय बता सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं, और उसका सही एक निष्कर्ष पर आते हुए एक सही उत्तर लेके हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी भी अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है हमारी अगली वीडियो के लिए तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसी के साथ सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।